अगर आप क्लास इलेवंथ और मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 11वीं की जांच परीक्षा 4 मई से, इस न्यूज़ को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब न्यूज़ है उनको जान लेते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, पहले हम मैट्रिक वाले के लिए हम जान लेते हैं। तो मैट्रिक वाले यहाँ पर देख सकते हैं कि अब 15 के बाद ही आ पाएगा, यहाँ पर बाद आएगा रिजल्ट। तो मैट्रिक वाले जो भी छात्र हैं 14 तक कॉपी जांच स्थगित है, तो इसलिए 15 अप्रैल के बाद ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नवोदय के स्कूल में जो है 25 मई तक गर्मी की छुट्टी दे दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं नवोदय की जो है कि 9वीं और 11वीं की हो चुकी थी वार्षिक परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9th और 11th की वार्षिक परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद नीचे की ओर आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CBSE 8वीं तक के बच्चे उत्तीर्ण घोषित होंगे, यानी CBSE ने यह घोषणा की है कि जो भी स्टूडेंट जो है कि 8वीं तक के हैं उनको जो है कि बिना एग्जाम लिए अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बुधवार को CBSE को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में भेजा जाए। कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षाओं के लिए उत्तीर्ण किया जाए। यह भी निर्देश दिया कि 9वीं और 11वीं के छात्र जिन्हें इस बार उत्तीर्ण नहीं किया जाता, वे स्कूल स्तर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस बीच CBSE ने कहा कि वह कोरोना वायरस के चलते विदेश में 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं नहीं कराएगा। इस बीच CBSE ने सभी स्कूल को 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवोट करने का निर्देश दिया। बोर्ड की माने तो जिन स्कूलों में ये परीक्षाएं बाकी थी या जिन स्कूलों में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएँ 1 या 2 विषय के पर्चे नहीं हो पाए थे, ऐसे विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे। बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 9वीं और 11वीं के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने का निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर है सभी छात्रों के लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो भी छात्र 2019 में नामांकित हुए हैं उनका एग्ज़ाम कब से कब तक आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटर 11वीं जाँच परीक्षा 4 मई से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको बोर्ड से संबंधित सभी न्यूज़ सो समय मिलती रहे। आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी आपको सो समय मिलता रहे। तो चलिए न्यूज़ को हम विस्तारपूर्वक जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि संवाददाता इंटर 11वीं 2019 में यहाँ पर 2019 नामांकित सभी छात्रों की जांच परीक्षा के लिए तिथि घोषित हो गई है। 11वीं के सभी छात्रों की जांच परीक्षा 4 मई से 20 मई के बीच आयोजित किए जाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि 11वीं की जो जांच परीक्षा है वो 4 मई से 20 मई के बीच आयोजित किए जाएंगे। प्लस टू तक की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी स्कूल्स और कॉलेज अपने अपने स्तर से जाँच परीक्षा आयोजित करेंगे। जाँच परीक्षा में सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से शामिल होना है। छात्रों की जांच परीक्षा के उपरांत उसके कॉपियों का मूल्यांकन कर मार्क्स फाइल DO कार्यालय में जमा किए जाएंगे। परीक्षा में पास सभी छात्रों का नामांकन 12वीं कक्षा में ले लिया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत प्रोग्राम विज्ञप्ति लॉकडाउन खत्म होने के बाद जारी किए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है सभी छात्रों के लिए। जो भी छात्र 2019 में नामांकन लिए हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करते नहीं है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आप अवश्य ही कर दें ताकि सभी जानकारी आपको मिलती रहे, कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटे। धन्यवाद।